मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक कलाकार को तो बहाना चाहिए होता है कि कब मीडिया इंटरेक्शन उसका हो क्योंकि आप सबसे फेवरेट लोगों में कलाकार के लिए लिस्टेड होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सैया मिली लड़कियाँ देखा जाए तो ये बहुत एक्चुअली ये फोक है जो हमारे अवधी बिहारी ये उसका मिश्रण फोक है, जिसमें पहले के ज़माने में हुआ करता था कि लड़की की शादी जो है छोटे लड़कों से जो पहले कर दी जाती थी, तो उसके ऊपर ये बेसिकली गीत है कि लड़की कैसा फील करती है और जो है कभी कभी उसको उसका बचपना तो पसंद है बट कभी कभी उसको लगता है कि मुझे भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरी केयर करे, तो इसके ऊपर है। बट ये फोक हमने उठाया बहुत पुराना, जिस पे बहुत सारे हमारे बिहार के और अवध के तरफ से यूपी के बहुत सारे कलाकारों ने, मंचे पे जो कलाकार हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने अपना अपना इसका वर्जन बनाया है। बट क्योंकि हमारी कोशिश है और क्योंकि मैं बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से आती हूँ और मैं मैथिली फोक पर बहुत काम कर रही हूँ और साथ साथ भोजपुरी में भी फिर हमारी कोशिश रही, क्योंकि लगातार लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे मैथिली संगीत को प्यार दिया। पर बहुत सारे मेरे दर्शकों ने कहा कि जिस तरीके से भोजपुरी का एक माहौल अभी बना है तो उसको जो है उस स्टीरियोटाइप को तोड़कर, और आप जिस तरीके से मैथिली में काम कर रही हैं आप उस तरीके से भोजपुरी में भी काम करिए। तो डेफिनेटली मैं बिहार की धरती से हूँ और हमारे यहाँ भोजपुरी अंगिका से लेकर मैथिली से लेकर हर तरीके की लैंग्वेज है, और मुझे लगता है कि एक संगीतकार, एक म्यूजिशियन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सब पर थोड़ा थोड़ा फोकस करूँ। तो इसी से हमने बस एक डिस्कशन चल रहा था और हमने इसको उठाया और इसको पूरा पलट दिया। मतलब इसमें हमने सिर्फ फोक का एसेंस रखा, सैया मिले लड़कियां मैं क्या करूं, बट ये पूरा गाना थोड़ा सा हिंदी किया है ताकि हिंदी की भी जनता को समझ में आए, और हिंदी, अवधी, थोड़ा सा भोजपुरी और थोड़ा सा कुछ कुछ इंग्लिश शब्दों का, बेसिकली इसको इंग्लिश हम कहते हैं आज के ज़माने में। तो इसमें थोड़ा ट्रेडिशन भी मिक्स है और ट्रेंड भी मिक्स है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो हमारा एक टैगलाइन है कि हमको ट्रेंड तो फॉलो करना चाहिए पर अपने ट्रेडिशन को भूलना नहीं चाहिए। तो दोनों का जो है ना, कहते हैं ना स्वैग और संस्कार का, बेसिकली ये दोनों मिश्रण जो है वो हमने बनाया है। और अभी अभी ये गाना रिलीज़ हुआ है, अभी कुछ घंटे पहले, और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हो चुका है और कुछ घंटों में ये दर्शकों ने बहुत बहुत प्यार देना शुरू कर दिया। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि एक अलग सी जो है आपने प्रयास किया है, और अच्छी बात यह है कि मतलब एक आईटी वालों के माध्यम से, जिनको म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो उस क्षेत्र से आते हैं और उनकी कोशिश थी कि हम मिलकर कुछ करते हैं। तो बड़ा, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बखूबी बहुत प्यारे तरीके से इसका निर्देशन जो है वो किया गया है और गाना तो लोगों को अच्छा लग ही रहा है। राइट, ऑल्सो गाना जैसे हमने देखा बहुत ही सोलफुल गाना है, जो गाने में सोल मिसिंग होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि इन दिनों जो भोजपुरी का ट्रेंड चल रहा है या फिर जो म्यूजिक का ट्रेंड चल रहा है वो एकदम अलग है और ये गाना पूरा सोलफुल गाना है, अलग लीग में है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो कुछ सालों से एक भोजपुरी का जो एक लोगों के मन में जो एक बात सेट हो गई है कि भोजपुरी का मतलब ही है अश्लीलता, पर ऐसा नहीं है। जब आप बिहार आएंगे और जब आप बिहार के लोक संगीत को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है असली भोजपुरी, ये है असली बिहारी संगीत, जो कि बहुत सारे आज के नए कलाकार जो है अपने तरीके से जो है फोक संगीत पर बहुत काम कर रहे हैं और देख के बहुत खुशी हो रही हो। और इन सब चीज़ों से ही मैं हर दिन इंस्पायर हो रही हूँ कि मुझे मेरे बिहार के लिए, मुझे अपनी भाषा के लिए जो है और अच्छा कंटेंट लाना है। क्योंकि अगर हम अभी दूसरे क्षेत्र की लोग भाषाओं की बात करें, अगर हम पंजाबी ले लें, हम राजस्थानी ले लें, उनका फोक इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, बाहर के आर्टिस्ट आकर पंजाबी इंडस्ट्री के साथ, राजस्थानी म्यूज़िक के साथ कोलैब कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारा बिहार, आज आप जहाँ देखें हर यूपी बिहार, मतलब जितने बड़े बड़े अगर स्कॉलर्स बोले तो हम हमारे बिहार से निकलते हैं और डेफिनेटली और किसी भी फील्ड में आप देखिए बिना बिहारी के स्वाद ही नहीं होता है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, और हमारे बिहार से तो इतने कमाल के कलाकार निकले हैं। तो ये जो एक धारणा बनी है ना लोगों की भोजपुरी, क्योंकि अगर आप किससे भी पूछेगा ना कि अच्छा बिहार के हैं आप तो भोजपुरी आप गाते हैं, तो उनका ना एक्सप्रेशन ऐसा होता है अच्छा भोजपुरी गाते हैं, जैसे पंजाबी बोलेंगे अच्छा वो क्या बात है पंजाबी, तो ये फ़र्क हो जाता है। तो वो मैंने बहुत, जब मैं लगातार अभी इंडस्ट्री में इस पर जब काम कर रही थी तो मैंने बड़ा ये चीज़ नोटिस किया, और जब हमने पास्ट के कंटेंट देखें या जो भी हमारे जो जैसे शारदा सिन्हा जी हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं, वासनी देवी जी हैं, इन्होंने ये फोक की क्वीन है, मतलब इनको सुन के हम सब बड़े हुए हैं। तो हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि ये जो उन्होंने जो धरोहर, जो उन्होंने जो नींव डाली थी, इस पे महल जो है वो हम लोग बनाएं। और भोजपुरी हो या बिहार की हर भाषा, मिथिला में तो मैं कर ही रही हूँ काम, मुझे इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, तो इसको एक साफ़ सुथरा कंटेंट लाएं जिसका म्यूज़िक से लेकर, जिसके शब्द से लेकर, जिसके वीडियो से लेकर हर चीज़ एक ऐसा हो कि लगे कि प्रॉपर एक बॉलीवुड सॉन्ग हो और उसको लोग एंजॉय कर रहे हो। आपका जो लास्ट गाना था राहुल वैद्य के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इतने सारे रील्स बने, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे? और वो गाना हिट होने के बाद एक आपने रीजनल गाना किया, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? जी, पहले तो मैं हमेशा उस प्रोजेक्ट के लिए आई एम रियली ग्लैड कि राहुल वैद्य ने मुझे ऑन बोर्ड लिया उसके लिए, और सच में उसको उस वक्त तो शादी का सीज़न भी नहीं था, तो अब उसके 2 महीने के बाद शुरू हुआ था, बट जिस दिन वो गाना रिलीज़ हुआ उस दिन से ही लोगों ने उससे इतना ज़्यादा प्यार देना शुरू किया, और बहुत सारे डेफिनेटली शादी का जब सीज़न शुरू हुआ तो रील्स पे रील्स बन रहे थे। मैं जब परफॉर्म करने के लिए शोज़ में जाती थी तो लोगों ने बोला कि आपका वो नया गाना आया, तो जब लोग रिकग्नाइज़ करते हैं आपका काम तभी असली मायने में लगता है कि आपने काम किया है। उसके बाद फिर मेरा एक गाना अध्ययन सुमन के साथ रिलीज़ हुआ था जो कि उससे बिल्कुल अलग था, बट स्टिल उस वाले सेशन में भी पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट सॉन्ग कि बहुत प्यारा था। तो तीनों एक बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल पंजाबी, और जो अध्ययन के साथ मैंने किया था वो मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश था, और ये अभी जो मेरा रीजनल जो है जिसमें भोजपुरी, अवधी और हिंदी जो हमने मिक्स किया है, तो 3 तरीके से मेरे 3 अलग अलग आप रूप कह सकते हैं वो दिखे हैं, चाहे गायकी हो या कंटेंट वाइज हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को लगातार जो है मेरा हर एक रूप पसंद आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि एक ही चीज़ पसंद आ जाता है कि आप इसी में अच्छे हो, हमको तो यही चाहिए, तो ऑडियंस का भी माइंडसेट वही हो जाता है कि आप यही बनाइए। पर मैं इस चीज़ के लिए बड़ा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं जो जो धीरे धीरे करके कंटेंट अपने म्यूज़िक के माध्यम से लोगों की तरफ लेके आ रही हूँ उनको सब पसंद आ रहा है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, चाहे वो अब रीजनल हो। डेफिनेटली लोक संगीत ने तो मुझे बहुत प्यार दिया है, बड़े कम टाइम में मुझे इतना लोगों ने प्यार दिया है कि जब हम अभी आगे जब हम बात करेंगे तो जिस तरीके से मुझे मेरे मैथिली म्यूज़िक के लिए प्यार दिया जा रहा है, जो कि उसमें उसके वजह से मतलब मैं बागेश्वर धाम से लेकर कितने संतों के बीच मैंने परफॉर्म कर लिया, सिर्फ वो एक आज जो मिथिला नगरिया जो हमारा गाना है उसके वजह से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छी बात ये कि जनता मुझे हर रूप में पसंद कर रही है, तो ये तो अपने आप में बहुत प्यारी बात है। भोजपुरी में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं जी, कोई ऐसा एक्टर है जिसके लिए आप मतलब एक्टर नहीं एक्ट्रेस है जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहेंगे, आपका ड्रीम हो, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं मुझे बड़ा अच्छा, हालांकि मैं बोलने वाली थी कि मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उस पर एक्ट ही पहले हो गया। तो जैसे कि मैंने अपने अभी पिछले मैथिली गाने के बारे में जो आपको बताया जो मिथिला नगरिया, वो अभी ऐसा हो रहा है कि वो हर 2 महीने पे ट्रेंड हो जा रहा है। उस गाने को रिलीज़ किए 2 साल हो गए, पर 1 साल तक कोई भी रिस्पांस नहीं था। हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत पुराना फोक है ये जो हमारे मिथिला में गाया जाता है। जब राम जी जो है आते हैं शादी करने के लिए तो कहा जाता है कि चारों भाई अच्छे हैं पर जो सबसे कमाल है वो हमारे राम जी हैं। तो हमने लॉकडाउन में नॉर्मल सिंपल से ऐसे ही सादा वीडियो एक लेकर और उसको डाल दिया था। 1 साल तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं थे, और हमने कुछ भी एक यूट्यूब पे जो हम बूस्ट करते हैं या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो सब कुछ भी नहीं किया था। अचानक से ये गाना 1.5 साल के बाद थ्रू सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने जो है स्पेशली नेपाल जनकपुर के उन्होंने बनाया, और वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि बस ऐसे। उसके बाद से आज 2 साल होने वाला है, एक दिन नहीं होता है जब मैं अपने सोशल मीडिया पर मुझे मेंशंस नहीं आते हों, और वो इतना ज़्यादा लगातार उसको प्यार मिल गया कि अभी कुछ एक हफ्ते पहले आम्रपाली दुबे जी, हम सब जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की कितनी बड़ी है, उन्होंने इस गाने पर रील बनाया। अभी 2 दिन जस्ट पहले मैं अक्षरा सिंह जी से मिली थी, अक्षरा दी उनको मैं प्यार से बोलती हूँ, बहुत मानती हैं मुझे, उनके साथ फिर मैंने वो डाला। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप यकीन करिए कि एक फोक गाना इंस्टाग्राम साउंड के फीचर सॉन्ग्स में आ जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक फोक गाने को लोगों ने, जो उस भाषा को नहीं भी समझते हैं, उनको भी ये गाना पसंद है। और अभी वापस से इंस्टा के ट्रेंडिंग साउंड में, फीचर साउंड में सब जगह आ गया है जब से भोजपुरी के 2 बड़े कलाकारों ने इस पे जो है रील बनाया मैथिली गाने पे। तो मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है कि मुझे और ऊपर से, मतलब पूरी अगर माँ जानकी का आशीर्वाद कहें, माँ पाहुन, हमारे पाहुन प्रभु राम का अगर आशीर्वाद के, तो मुझे लगता है कि मुझे साइन मिल रहे हैं कि मुझे और भी ज़्यादा जल्दी कंटेंट लाना चाहिए मैथिली में, भोजपुरी में, ताकि इसी तरीके से लोगों के मन में जो एक भोजपुरी को लेके जो खट्टापन, अगर हमको लेना जो खट्टापन जो स्वाद है वो कम हो। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ रेशियो कम है, अच्छे कॉन्टेंट आ रहे हैं बट लोगों तक अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। जैसे अब हम जहाँ भी सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ हो सके वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे कलाकार हैं, यंग कलाकार हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम गाना बनाते हैं तो पहले अपना रिसर्च वर्क करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। तो हमने देखा बहुत प्यारे भोजपुरी में गाने हैं बट लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे। बट मुझे लगता है कि अब दौर बदल गया है, अब लोगों में वो एक अंदर से आग लग गई कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब अच्छा कंटेंट लाना है। और एक जो इमेज है, एक जो वो लाइन खींच गई है कि नहीं अश्लीलता ही होता है, और वो बहुत जल्द टूट जाएगा बिकॉज अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, और मैं भी बस उसी प्रयास में लगी हूं। मुझे लगता है कि क्या कुछ उम्मीद है, एक एनआरआई ने इसको प्रोड्यूस किया है जी, जो सिंगापुर के रहने वाले हैं जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बड़ा ही चटपटा कॉम्बिनेशन है कि आईटी सेल के लोगों ने और हम म्यूजिशियंस ने मिलकर जो है इसका एक संगम हुआ। और ये सिंगापुर में रहते हैं जो इस गाने के प्रोड्यूसर हैं शैलेंद्र द्विवेदी जी, सॉरी। तो उनका वो काफ़ी दुनिया से, मतलब बहुत टाइम से धीरे करके वो प्रयास वो भी भोजपुरी में कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर भोजपुरी क्षेत्र के हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि प्रिया जी, हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव लाया जाए और अपने तरफ से जो भी होगा हम पर्याप्त कोशिश करेंगे, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो शब्द हो। तो इस गाने पे काफ़ी टाइम समय से जब हमने डिस्कस किया तो काम चल रहा था, और बड़ा अच्छा लगा कि जिनको बिल्कुल म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी वो अपनी भाषा को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है कि अपनी भाषा के लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमने साथ में ये पहली बार, हमारा पहला प्रोजेक्ट है और आगे बढ़ उनके साथ और भी आने वाला है। तो ये एक अच्छा बन गया सबके डिस्कशन से, सबके फीडबैक से। और बाकी गाने को अभी तो प्यार मिल ही रहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने इसको आधुनिक आज के अपडेटेड रखा है, इसमें इंस्टाग्राम की चीज़ें बताई हैं, शॉपिंग कैसे करती है लड़कियां वो भी बताई है। तो ये बड़ा पुराना फोक पर उसके मीनिंग, मतलब उसका बस हमने एसेंस रखा है कि सैया मिले लड़कियां मैं क्या करूं। बाकी पूरा ये आज के हिंदी और थोड़े से भोजपुरी शब्दों को मिलाकर हमने इसको एक ऑलमोस्ट ये पूरा एक नया गाना है। तो जिसमें लड़की जो है वो वही, जो जैसे मैंने कहा कि वो चाहती है कि जो उसका पार्टनर है वो उसको पैम्पर करे, जितना वो उसको प्यार करती, जितना वो उसको अटेंशन देती है उतना वो उसको अटेंशन नहीं दे पाता। तो मुझे अटेंशन दो, मुझे शॉपिंग कराओ, मेरे साथ पिज़्ज़ा खाने के लिए जाओ, मैं सोशल मीडिया की स्टार हूँ, मुझे सब इतना पसंद करते हैं, सब मतलब मरते हैं कि मैं उसके एक DMs का जवाब दूँ, पर तुम तो मुझे अटेंशन नहीं देते हो। तो आज के डेट में बेसिकली लड़की जो चलता आ रहा है उसको हमने फॉलो करके इस गाने में लाया, और शैलेंद्र द्विवेदी जी के साथ मिलकर और सारी पूरी उनकी टीम के साथ मिलकर। क्या वजह है भोजपुरी फिल्मों सब कटी जाती हैं? भोजपुरी सिनेमा आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ रिलीज हो रहा है, युवा भी रिलीज हो रहा है, फिल्म भी रिलीज हो रहा है, लेकिन गाने नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं करती हूँ, मैं तो खुद बिहार की हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। बट यही है कि मैं अच्छे शब्द, अच्छे कंटेंट की तलाश में हूँ, और इसीलिए पहले हमने सोचा कि पहले हम खुद से शुरुआत करते हैं। और अगर जहाँ भी, अगर मैंने, हालांकि मैंने 1-2 अभी गाया भी है, मैं आप सबको बता दूँ, हालांकि सोचा था कि सरप्राइज़ रखूँगी बट अभी बता देती हूँ कि मैंने 2-3 भोजपुरी म्यूज़िक के मूवी के प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि बड़ा प्यारा गाना है। वो जल्द आएगा और जब आएगा तो आप लोग सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं जब भी मुझे जहाँ भी मुझे जिसकी भाषा, जिसका म्यूज़िक, जिसका वीडियो सब बिल्कुल क्लीन और अच्छा हो, जिससे लोग सुन के इंस्पायर हो, लोग सुन के मुझे ये ना कहें कि आपने भी वही चीज़ शुरू कर दिया जो चलता आ रहा था, क्योंकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि मैं अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फोक संगीत पर ही लगातार काम कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट जहाँ अगर मौका मिलेगा, जहाँ अगर लगेगा कि नहीं अच्छा है, इसको सुनकर मेरी जनता खुश हो जाएगी, मेरी जनता, पूरी जनता में जो एक सोच बैठी है भोजपुरी को लेके, उसके ख़त्म होने की कोशिश में अगर वो गाना अच्छा है तो मैं ज़रूर गाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गा के। जी, अगर आखिर में दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में। बिल्कुल, ये अब गाना तो बिल्कुल बनता है। सो जब रोमांस वाला बजता सॉन्ग है, वो तो देखता डोरेमोन है। हाँ, जब रोमांस वाला बजता सॉन्ग है, वो तो देखता डोरेमोन है। सोए मोरे पलों के छैया मैं का करूं, हाय सैया सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। बाकी का गाना जाके ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुनिए और अपना प्यार दीजिए। और साथ साथ ये बता दूं कि जो मैं जिस टीम की बात कर रही थी उनकी भी बता दूं कि कौन कौन इसमें जुड़े हैं। तो ये जो गाना है पूरा, इसका जो म्यूज़िक है, जो प्रॉपर एक म्यूज़िक प्रोडक्शन है, वो एल.के. लक्ष्मीकांत जी ने किया है। और गाने का जो सुंदर आउटपुट है वो प्रसाद सोलने ने मिक्स किया है, मास्टर किया है। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि शैलेंद्र द्विवेदी जी ने जो है इसको प्रोड्यूस किया है। और आदिल खान जो हैं इनके डायरेक्टर हैं, और साथ में जो दो प्यारे कलाकार हैं प्रियांशु सेन और सुमित लालवानी, इन दोनों ने एक्ट किया है और लिखा है। इसके जो शब्द में जो हमने बदलाव किए हैं, जो ट्विक मारा है, वो संतोष पुरी जी ने इसको बखूबी बहुत प्यारे तरीके से लिखा है। और आपकी प्रिया, जिसे आप प्रिय कहते हैं, उसने कोशिश की है गाने का। तो बस ये कहना चाहूँगी कि जाइए और गाने को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। मैं संजय भूषण पटियाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे मेन पीआरओ हैं इस गाने के, हर जगह बड़े प्यारे तरीके से और इसे हर जगह प्रमोट कर रहे हैं जहाँ जहाँ हो सके। तो एक कलाकार को क्या चाहिए जब इतनी अच्छी टीम हो, जब हर तरीके से जो है आपकी टीम आपके लिए लगी होती है इसको पुश करने के लिए, तो गाना जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। और थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, मुझे लगता है कि अभी रिलीज़ हुआ है, पर धीरे धीरे जब ये गाना, जैसे मिथिला नगरिया जिस तरीके से बूम हुआ, उस तरीके से ये भी लोगों में चढ़ेगा। क्योंकि आप जब सुनेंगे तो इसका म्यूज़िक बड़ा, मतलब टोकी सा साउंड है, अच्छा लगता है, एक आप ग्रूव चलते रहता है इस गाने का। और क्योंकि ये बड़ा लोगों के मन में बसा हुआ है, सैया मिले लड़कियाँ, तो इससे लोग बड़ा जल्दी भी रिलेट करेंगे। तो बस अपना प्यार दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बाकी सब। जय माता दी।